हाय दिस विश्वजीत। दोस्तों आप सभी लोगों को इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ये क्वांटम फिजिक्स के दूसरे पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि कैसे एक के इन्फॉर्मेशन से हम दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, वो भी इंस्टेंटेनियसली। इसके साथ नेचर ऑफ रियलिटी यानी कि वास्तविकता का असल चेहरा क्या है, आप लोगों को शायद ये मैजिक लग रहा है। क्वांटम फिजिक्स है ही बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय। इन सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। लेट्स बिगिन। 1920s में आइंस्टाइन और नील बोहरा के बीच एक बड़ी विवाद छिड़ गई नेचर ऑफ रियलिटी को लेकर। आइंस्टाइन मानते थे कि हमारा रियलिटी हमेशा फिक्स्ड होती है, इसका मतलब है कि इसका ओरिजिनल रूप में कोई भी चेंजेस नहीं आते, चाहे आप उसे देखें या ना देखें, इससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर हम चांद को देखें या ना देखें, इसका रूप हमेशा वही रहेगा। अगर हम इसे देखेंगे या ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो इसका रूप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो जैसा है ठीक वैसा ही रहेगा। शायद आप सोच रहे होंगे, हाँ ये तो हमें पता है, हम जब हमारे घर से बाहर जाएंगे तो हमारा घर तो जैसा था ठीक वैसा ही रहेगा, इसमें नई बात क्या है? आप क्लासिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि जब इसी घर को आप क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीजें पूरा पलट जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, चलिए और आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर आप अपने घर को एक छोटे लेवल पर देखें तो आपको एटम मिलेगा, अगर इसको भी आप जूम इन करके देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, उसके बाद इसको भी अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको क्वार्क्स मिलेगा, उसके बाद अगर आप क्वार्क्स को भी जूम इन करेंगे तो आपको एनर्जी यानी वेव की फॉर्म मिलेगा। नील बोहरा के अनुसार क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के एब्सेंस में हमारा रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम जब तक क्वांटम पार्टिकल को मेजरमेंट या ऑब्जर्व नहीं करते तब तक हम उसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर के बारे में बता ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के पहले तक वो किसी वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि एक साथ वो अपनी सभी पॉसिबल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसे सुपर पोजिशन स्टेट कहा जाता है। इस समय तक फिजिकल नेचर ऑफ रियलिटी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तब तक इन क्वांटम पार्टिकल का कोई भी फिजिकल रूप ही नहीं होता, बल्कि हम इस समय के रियलिटी की रूप को वेव फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर हम जैसे ही इन क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्वेशन या मेजर करते हैं, इसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स होने के कारण इनका सभी पॉसिबल स्टेट में से केवल एक स्टेट का ही सिलेक्शन होता है और वही स्टेट हमें मिलता है, जिसके कारण हमें लगता है उस क्वांटम पार्टिकल का रियल रूप भी वही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हमें उस क्वांटम पार्टिकल की सभी पॉसिबल स्टेट में से कोई भी स्टेट मिल सकता था, जिसका मतलब है कि ये पहले से फिक्स्ड नहीं होता कि ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के बाद हमें कौन सा स्टेट मिलेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट की एब्सेंस में हमारा रियलिटी का कोई भी मतलब ही नहीं बनता। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन इसी थ्योरी पे बेस्ड है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स में आज भी सही माना जाता है। आइंस्टाइन इस थ्योरी पे अग्री नहीं करते थे, उनका मानना था कि सब कुछ पहले से ही रियल होता है, इसलिए हम लोग उसे ऑब्जर्व करें या ना करें उससे उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। क्वांटम थ्योरी की प्रेडिक्शन के बारे में उनका कहना था कि क्वांटम थ्योरी अभी इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ लोकल हिडन वेरिएबल्स है जिसके कारण ये हो पा रहा है। नील बोहरा के थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आइंस्टाइन, बी पॉडलिस के और नाथन रोजन के साथ मिलकर एपियर पैराडॉक्स की नींव रखी, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट के सबसे बेहतर एग्जाम्पल था। दरअसल उस समय ऐसे इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे जिससे नील बोहरा की थ्योरी को टेस्ट किया जा सके, इसलिए ईपीआर पैराडॉक्स को उस समय केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में ही प्रेजेंट किया गया था। ईपीआर पैराडॉक्स यानी क्वांटम इंटेंगलमेंट को समझने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब तक क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व या मेजर नहीं किया जाता, वो अपने किसी एक स्टेट पे नहीं होते, बल्कि वो अपने हर पॉसिबल स्टेट में एक साथ मौजूद होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल के स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये स्पिन का मतलब पार्टिकल का स्पिन होना नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ स्पिन अप या डाउन से रिलेटेड है, यानी कि इन पार्टिकल का दो पॉसिबल स्टेट होते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार
जब तक इन पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ये अपने दोनों पॉसिबल स्टेट में एक साथ मौजूद होते हैं। सुपरपोजिशन स्टेट किसी सिक्के को उछालने की केस जैसा नहीं है। सिक्के की दो फेस होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, यानी कि एक सिक्के की दो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं। जब हम इसे हवा में ऊपर उछालते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि गिरने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि जब तक सिक्का हवा में होते हैं हम नहीं जानते कि वो किस स्टेट में है। ये काफ़ी हद तक सुपर पोजिशन स्टेट जैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल जिस समय सिक्का हवा में होते हैं, भले ही उस समय हमें ये मालूम नहीं होता कि हेड आने वाला है या टेल, लेकिन हमें पता होता है कि इसके एक साइड हेड है और दूसरे साइड टेल। लेकिन सुपर पोजिशन स्टेट में पहले से कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। अब बात करते हैं मेजरमेंट रूल की। ये रूल के अनुसार जब तक हम क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं। यानी कि अगर अप स्पिन और डाउन स्पिन क्वांटम पार्टिकल के दो पॉसिबल स्टेट है, तो सुपर पोजिशन स्टेट में ये पार्टिकल एक साथ इन दोनों स्टेट में मौजूद होते हैं। और जब भी हम इन क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व या मेजर करते हैं, तो इनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाते हैं और सभी पॉसिबल स्टेट में से केवल एक स्टेट ही हमें मिलता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए इंटेंगल पार्टिकल की जरूरत है, इसलिए इंटेंगल पार्टिकल क्या होता है और कैसे बनते हैं, ये जानना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक फोटोन है जो कि लाइट के स्मॉलेस्ट यूनिट है। आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के मदद से हम इस एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। जैसे कि हम एक फोटोन से दूसरे डिफरेंट पार्टिकल बना सकते हैं, पर हमारे यूनिवर्स में कुछ लॉस है जो ये डिसाइड करते हैं कि ये पार्टिकल्स कैसे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोन का चार्ज जीरो होता है, यानी कि इससे बनने वाले सभी पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज का सम हमेशा जीरो ही होगा। जैसे कि एक फोटोन से अगर एक इलेक्ट्रॉन बनता है तो साथ में एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, जिसे कैंसिल आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव ग्रुप भी बनेगा, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसके साथ और एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ स्पिन के नाम से जानते हैं। फोटॉन्स के पास कोई भी स्पिन नहीं होता, पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास स्पिन होता है। ये स्पिन या तो अप हो सकती है जो कि पॉजिटिव होता है, या डाउन हो सकता है जो कि नेगेटिव होता है। अगर आप इन दोनों की स्पिन को ऐड करेंगे तो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों फोटोन से बने हैं जिसका कोई स्पिन नहीं होता है। यानी कि ये बात तो तय है कि इन दोनों में से एक का स्पिन अप होगा जबकि दूसरे का स्पिन डाउन होगा, पर हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से किसका स्पिन कौन सा होगा। क्वांटम थ्योरी के सुपरपोजिशन स्टेट के अनुसार अगर देखें तो जब तक हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, ये एक ही साथ अप स्टेट और डाउन स्टेट में मौजूद होते हैं। अब अगर इंटेंगल्ड स्टेट की बात करें, तो ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें दो पार्टिकल कुछ इस तरह से लिंक्ड हो जाते हैं कि दोनों केवल कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। इंटेंगलमेंट के अनुसार अगर हमारे पास दो इंटेंगल्ड पार्टिकल हो और हमें उन दोनों में से किसी एक पार्टिकल के स्टेट के बारे में पता चल जाए, तो उसी समय हम गारंटी के साथ दूसरे पार्टनर पार्टिकल का स्टेट क्या होगा ये बता सकते हैं, चाहे उन दोनों पार्टिकल के बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। आइंस्टाइन इस बात से तो एग्री करते थे कि दो पार्टिकल चाहे जितने भी दूरी पर हो, अगर हमें उनमें से एक पार्टिकल के स्टेट के बारे में पता हो तो हम उसी समय दूसरे के स्टेट के बारे में बता सकते हैं। पर वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि दोनों पार्टिकल के बीच इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से चल सकता है। उनका मानना था कि अगर हमारे पास लोकल हिडन वेरिएबल्स हो और हमें एक पार्टिकल के स्टेट के बारे में पता चल जाए, तो हम उसी समय दूसरे पार्टिकल के स्टेट के बारे में बता सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को लाइट से ज़्यादा स्पीड से चलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास दो अलग अलग कलर्स के बॉल है, एक लाल है दूसरा ग्रीन। इन दोनों ही बॉल्स को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिसके बाद हम रैंडमली इनमें से एक बॉल को एक अलग बॉक्स में डाल देते हैं और दूसरे को एक अलग बॉक्स में। जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, हमें नहीं पता है कि किस बॉक्स में कौन सी कलर की बॉल है, पर जैसे ही दोनों बॉक्स में से किसी एक को खोलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरे बॉक्स में कौन सा कलर के बॉल है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें पहले बॉक्स में लाल कलर की बॉल मिलता है, तो उसी समय हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दूसरे बॉक्स में ग्रीन कलर का बॉल ही होगा। उसी तरह हमें अगर पहले बॉक्स में ग्रीन कलर का बॉल मिलता है, तो निश्चित रूप से दूसरे बॉक्स में हमें लाल रंग का बॉल ही मिलेगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं किया, बल्कि हमें पहले से ही पता था कि अगर एक बॉक्स में लाल है तो दूसरे बॉक्स में ग्रीन ही होगा। यानी कि हमारे पास लोकल इन्फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद था, लेकिन आइंस्टाइन की
इस लॉजिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट इस तरह काम नहीं करता। आइंस्टाइन के इस एग्जांपल में जब तक हम बॉक्स को नहीं खोलते, भले ही हमें ये नहीं पता होता कि किस बॉक्स में कौन सा कलर की बॉल है, पर वो बॉल तो पहले से ही उस बॉक्स में मौजूद होता है। यानी कि पहले बॉक्स में हमें अगर लाल रंग का बॉल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉल पहले से ही उस बॉक्स में मौजूद था, बस हम उसे देख नहीं पाए थे। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अभी इस बॉक्स को खोलकर हम देखें तो उसमें हमें लाल रंग का बॉल मिले और कुछ देर बाद उसी बॉक्स को खोलकर देखें तो हमें ग्रीन रंग का बॉल मिले। पर क्वांटम एंटेंगलमेंट में पहले से कुछ फिक्स्ड नहीं होता, यानी कि मेजर करने से पहले तक क्वांटम पार्टिकल्स एक साथ अपने दोनों पॉसिबल स्पिन स्टेट में मौजूद होते हैं। इससे होता यह है कि मेजर करने से पहले हम ये नहीं बता सकते कि किस पार्टिकल में कौन सा स्टेट मिलेगा। क्वांटम इंटेंगलमेंट रहस्य में इसलिए है क्योंकि इंटेंगल पार्टिकल का स्टेट पहले से ही फिक्स्ड नहीं होता। इसके बावजूद पहले इंटेंगल पार्टनर के द्वारा शो किए गए स्टेट के आधार पर दूसरा इंटेंगल पार्टनर अपने स्टेट बदल लेते हैं, और वो भी बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली। और ऐसा करने के लिए इनके बीच की दूरी कोई मायने नहीं रखता। 1964 में क्वांटम इंटेंगलमेंट को सबसे पहले नॉर्थ आयरलैंड के एक फिजिसिस्ट जॉन स्टुअर्ट बेल ने एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया था, जिसे बेल इनक्वालिटी कहते हैं, जिसमें उन्होंने पाया था कि हिडन वेरिएबल जैसे कोई भी चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद ये आज तक कई बार टेस्ट किया जा चुका है, पर हर बार रिजल्ट वही मिला है। और इसी साल तीन साइंटिस्ट, एलन स्पेक्ट जो कि फ्रांस के है, जॉन एफ क्लोजर जो कि यूएसए की है, एंटोन ज़ेलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया की है, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। जॉन एफ क्लोजर जिन्होंने बेल्स इनक्वालिटी को एक प्रैक्टिकल रूप देते हैं, वो इंटेंगल फोटोन के साथ एक्सपेरिमेंट करके बेल इनक्वालिटी को तब तक डेवलप करते हैं जब तक कि वो ये समझ ना ले कि कौन सा थ्योरी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद एलन स्पेक ने जॉन एफ क्लोजर की थ्योरी में जो भी लूपहोल्स था उसे फिल कर दिया, और एंटोन ज़ेलिंगर ने इंटेंगल स्टेट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इस तरह ये तीनों साइंटिस्ट साथ में जॉन बेल ने क्वांटम मैकेनिक्स में रेवोल्यूशन और क्वांटम साइंस के शुरुआत के साथ आइंस्टाइन को गलत प्रूफ भी कर दिया। आइंस्टाइन को हम लोग पूरी तरह गलत तो नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी थ्योरी एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत कुछ दिया है, उनके लिए रिस्पेक्ट हमेशा ही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।